शः घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभस्य पृथ्वी चैवं तुमुलो अभयनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता। किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। अथ व्यस्थितान दृष्टवा धार्तराष्ट्रांक कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमीदमा महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, अर्थात युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक, इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।